तो जय साथियों, कैसे आप सब दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। तो गाइज, आपके लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं AOC के रिगार्डिंग, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। सर, हमें कितने घंटे स्टडी करनी है? सर, बेस्ट बुक क्या रह सकती है सर हमारे लिए? तो गाइज, आपको प्रॉपर तरीके से पूरी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? देखिए दोस्तों, अब आपको पता है आपके जो फॉर्म है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके हैं। 23 अक्टूबर से आपके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुके थे और जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपकी 12 नवंबर, ठीक है? 12 नवंबर तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर सकते हो। और बहुत सारा डाउट है कि सर मुझसे फॉर्म गलत हो गया है, सर मैं क्या करूं? देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि आप फॉर्म में मिस्टेक ना करें, लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि आपको आगे चल के एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। टेंशन आप सब ना लें, आप प्लीज़ अपने फॉर्म को अच्छे से फिलअप कीजिएगा, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं कि सर स्टडी हमें कैसे करनी है, कितने घंटे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और सर आपने कितने घंटे स्टडी की थी, ठीक है? तो मुझे बहुत सारा कमेंट आता है आप सबका। तो देखिए गाइज, आपको सबसे पहली बात ये है कि आपको ज़्यादा हड़बड़ इसमें कुछ नहीं करना है। आपको बस एक कोई भी बुक आप सिलेक्ट कीजिए, कोई भी बुक आप ले लीजिए, उठा लीजिए, आपको उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करना है, ठीक है? अगर बात करें कि सर हमें कितने घंटे स्टडी करने, आपको दोस्तों डेली कम से कम 5 से 6 घंटे आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तब दोस्तों आपके चांसेस है कि आप AOC में भर्ती हो सकते हो। अदरवाइज गाइज कोई चारा नहीं है, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आप डायरेक्ट भर्ती हो जाओगे AOC में, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में। कोई ऐसा फार्मूला मेरे पास तो है नहीं, किसी और यूट्यूबर के पास होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं सर बेस्ट बुक कौन सी रह सकती है हमारे लिए, ठीक है? तो गाइज देखिए, जो ये मेरे पास एक अच्छी बुक है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मैं आपको ये सजेशन करूँगा। ये दोस्तों इंग्लिश की बुक है, एडवांस वोकेबलरी इसमें लिखा है यहाँ पे फर्स्ट में, एंड स्नोनियम एंटोनियम है यहाँ पे, इंडियन फ्रेजिज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, ठीक है? धर्मेंद्र कुमार की ये बुक है दोस्तों, आप इसको परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है ये। इसमें आपके जो भी भाई बिल्कुल बेसिक होता है ना, आपको बता दूं मैं, आपको क्या होता है कि सर पेपर में सर क्या क्या आएगा, देखिए गाइस आपसे ओनली बेसिक हो जाएगा, बेसिक हार्ड लेवल में पेपर आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये दोस्तों एकदम बेसिक बुक है, आप इसको परचेज करके आराम से स्टडी कर सकते हो, इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ। और गाइज देखिए, इसमें आपकी ग्रामर नहीं है, ग्रामर की आप कोई भी बुक ले लीजिएगा या फिर आप यूट्यूब से स्टडी कर लीजिएगा, आपको ग्रामर पे पूरा फोकस करना है। ग्रामर एंड एंटोनिम सिनोनिम, ये दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनको आपको रीड करके जरूर जाना है एग्जाम में, ठीक है? अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे जीके के लिए। दोस्तों जीके बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 25 क्वेश्चन आपके जीके के आएंगे। पहले आपके 50 क्वेश्चन आते थे, अब आपके 25 क्वेश्चन आएंगे जीके के, ठीक है? दोस्तों ये बुक आपकी NCERT की सामान्य ज्ञान, ये दोस्तों आपको पढ़ लेनी है, स्टडी करनी है इसके भी। आपको स्टैटिक जीके पे पूरा फोकस करना है। क्या गाइज, क्या सुना आपने? आपको स्टैटिक जीके पे पूरा फोकस करना है। आपकी कम से कम गाइज, आप मान के चलो 25 में से आपके 10 या आपके 15 क्वेश्चन कम से कम स्टैटिक जीके के आएंगे ही आएंगे, ठीक है? आपको स्टैटिक जीके पे पूरा फोकस करना है, ओके? और दोस्तों आप करंट अफेयर्स को भी पढ़ के जाना है, करंट अफेयर्स भी आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आगे दोस्तों बात करते हैं मैथ के बारे में। सर मैथ्स में सर क्या आता है हमारा? सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैथ में सर क्या आता है, ठीक है? गाइस जो आप देख रहे हो गणित, ये भाई आपका RS अग्रवाल का मैथ है, बिल्कुल इसमें सब आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, आपको पढ़ लेने हैं, डायमंड वर्क, ठीक है, परसेंटेज, बोर्ड एंड स्ट्रीम। गाइज ये आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको एडवांस मैथ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ओनली अर्थमेटिक मैथ करके जाना है एग्जाम में। गाइज आपके देखिए 25 में से 23-24 क्वेश्चन आपके आराम से आ जाएंगे अर्थमेटिक में से। एक दो क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है आपका एडवांस में से दे दे, लेकिन गाइज 95% क्वेश्चन आपके इसी में से आने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये मैथ्स परचेज कर लेना है। अगर आपके पास ये मैथ्स नहीं है, लिंक में भाई आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इस मैथ का भाई जो भी आपको जहाँ से परचेज करना है अमेजन या फ्लिपकार्ट का, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको ये परचेज कर लेना है, ठीक है? तो भाई ये आपका हो गया मैथ के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं सर सर जीके के लिए। देखिए दोस्तों जीके के मैंने आपको एक बुक बताई अभी NCERT की, अगर आपके पास वो बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जो आप बुक देख रहे हो SKT की बुक है, भारतीय थल सेना क्लर्क की बुक है दोस्तों। इसमें भाई जो आपकी जीके दे रखी है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके है, आपको ये पढ़ लेनी है दोस्तों। आपका जीके में कम से कम 25 में से 20 क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है? आपको ये बुक भाई पूरी पूरी पढ़ लेनी है। आपकी इसमें भाई जीके स्टैटिक दे रखी है आपके भाई, काफी अच्छी सी ये बुक है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैंने पहले स्टडी की है इसकी, ठीक है? तो भाई आपको ये बुक भी पढ़ के जानी है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, साइंस के हैं, ठीक है, और स्टैटिक जीके है,
पठार हैं, ठीक है, आपके नदियां हैं, झील हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक में हैं आपके। तो आपको ये बुक भी आप से यहाँ पे पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है आपकी। गाइस देखिए, ये 4-5 बुक हैं, आपको ज्यादा इसमें कुछ है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हो आपका सिलेक्शन श्योर है, 110% बोल रहा हूँ, आपका सिलेक्शन श्योर है। अब बात करते हैं रीजनिंग हमें कहाँ से पढ़नी है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के लिए आप कोई भी हरियंत की बुक ले लीजिएगा, ठीक है, आप कोई भी बुक आप यूज कीजिएगा रीजनिंग के लिए। रीजनिंग आपका बहुत ही अच्छा से चैप्टर्स है एंड अच्छा सब्जेक्ट होता है, उसमें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, वर्बल है, नॉन वर्बल रीजनिंग होती है आपकी, ठीक है, डायग्राम वाला चैप्टर आपका पासे वाला है, और आपके भाई कैलेंडर वाला चैप्टर्स है, काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग में जिनको आप पढ़ सकते हो आराम से। और गाइस देखिए, आपका मेन यहाँ पे फोकस रीजनिंग और आपका इंग्लिश पे रहना चाहिए। अगर आप AOC में भर्ती होना चाहते हो, मेन आपको फोकस रीजनिंग और इंग्लिश पे करना है, ठीक है। 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के हैं, 25 क्वेश्चन जीके के हैं। आपकी जीके के लिए कौन सी बेस्ट बुक है मैंने आपको बता दी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप अबकी बार AOC में भर्ती होना चाहते हो, आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप दोस्तों चाहते हो कि सर आप हमें नोट्स प्रोवाइड करवा दीजिए AOC के, तो गाइज आपको डिस्क्रिप्शन मेरी ID मिलेगी इंस्टाग्राम वाली, आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है दोस्तों। मैं आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अपने जो है नोट्स है मेरे पास AOC के, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप सबको क्या करना है, इंस्टाग्राम के ऊपर जाके मुझे फॉलो कर लेना है, इंस्टाग्राम ओपन करना है, आपको ID डाल देनी है वहाँ पे, या फिर आपको नीचे मैंने भाई लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम ID का, आप जाके डायरेक्ट मेरी ID पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे फॉलो कर लेना आप सबको। और आपको मुझे मैसेज करके नोट्स को आप बोल देना कि सर हमें नोट्स चाहिए, आप हमें भेज दीजिए, तो भाई मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टडी करनी पड़ेगी यार, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी कि सर हवा हवा में, सर मैं तो सर 1 घंटे पढ़ाई करूंगा, सर मुझे नौकरी मिल जाएगी। नहीं मिलेगी नौकरी, नहीं मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है, कोई ऐसी बाबा जी की पुट्टी नहीं है मेरे पास जो मैं आपको सिलेक्शन दिलवा दूँ। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, मैं बस आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि दोस्तों आप इस रास्ते पर चलो, इसमें आपका सिलेक्शन होगा। चलना या फिर नहीं चलना वो डिपेंड आपके ऊपर है, ठीक है। कुछ टाइम बाद दोस्तों हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं AOC के रिगार्डिंग। आपको बस अपना प्यार सहयोग बनाए रखना है। जिन मेरे भाइयों ने मेरी बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। और देखिए, बहुत सारा कमेंट है कि सर हमारी जो एग्जाम डेट है सर क्या वो आ चुकी है। अभी दोस्तों AOC रिकॉर्ड से कोई ऐसी कहानी नहीं आई है बनके कि आपकी कोई डेट आ गई होगी। वो तुम्हारे भाई बंधु जो भी यूट्यूबर्स और अदर हैं, मुझे नहीं पता वो डेट कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं, आई डोंट नो। बट जब कोई डेट आएगी आपकी, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो गाइस थैंक यू सो मच, उम्मीद करूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, तो क्या कर रहे हो दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो मेरे भाई बंधु फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप अब की बार आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में भर्ती होना चाहते हो। तो गाइस थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो पक्का करना है, डिस्क्रिप्शन में ID है, जाके फॉलो करो।